नमस्कार, मैं हूं देवांजलि बोइत्रा। बीजेपी की रणनीति यानी राष्ट्रवाद बीजेपी के लिए सर्वोपरि है। अपनी पार्टी के पोस्टर पर ही बीजेपी ने टैगलाइन लिख दी है, नेशन फर्स्ट, यानी उसके लिए पहले देश है फिर पार्टी। बीजेपी की यही नीति और रणनीति विरोधियों के जुबान सिल देती है। बीजेपी की यही रणनीति सब पर भारी पड़ जाती है। तो क्या 2019 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा राष्ट्रवाद? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये बीजेपी का ध्येय है, यही नीति, यही रणनीति यानी राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद बीजेपी के लिए सर्वोपरि है। अपनी पार्टी के पोस्टर पर ही बीजेपी ने टैगलाइन लिख दी। 2019 के चुनावों में मोदी के लिए ये मुद्दा ब्रह्मास्त्र साबित होगा, जिसके आगे विरोधियों को चारों खाने चित होना तय है। मेरा वचन है भारत माँ को, मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। उनके तेवर से साफ है कि चुनाव में राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति ही प्रचंड रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों के मंच से विरोधियों पर तंज कस रहे हैं कि वो अपने राजनीतिक हितों को सैन्य पराक्रम, शौर्य और देश की आन बान शान से बढ़कर समझ रहे हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है, यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा नहीं लगता है। भाइयों और बहनों, जिस पार्टी ने सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया, जिस पार्टी के नेताओं ने हमारी पराक्रमी सेना के हाथ बांध करके रखे, उसके नेता अब हमारे वीर जवानों के सामर्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं। और इसमें भी मध्य प्रदेश के एक नेता जरा और आगे नजर आते हैं। मतलब इशारा साफ है कि 2019 का सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्रवाद। बीजेपी की राजनीति राष्ट्रवाद की बुनियाद पर खड़ी है। 2013-14 में देश जब घपलों घोटालों से त्रस्त था, जनता का भरोसा तब की सरकार से उठ चुका था, जनता के सामने कोई विकल्प नहीं था, तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को यकीन दिलाया था कि उम्मीद का नाम है बीजेपी। उम्मीद का नाम है मोदी, वो मोदी जो देश नहीं झुकने देगा। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी की आवाज में प्रसून जोशी की यह कविता जारी की गई थी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की।
लेकिन 2019 के चुनाव से एन पहले एक बार फिर पीएम मोदी ने ये कविता पढ़ी, जिसकी वजह बना 26 फरवरी को पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। छब्बीस फरवरी से पहले देश की सियासत में गठबंधन का जोर था। महागठबंधन में सियासत के नए नए समीकरण बन रहे थे। कभी ममता बनर्जी की अगुवाई में पूरा विपक्ष एक साथ नजर आ रहा था। कभी अखिलेश यादव और ममता की जुगलबंदी दिख रही थी। देश में महागठबंधन के नाम पर सियासी माहौल बन रहा था, लेकिन 26 फरवरी को पाकिस्तान के आतंकियों का दहन होने के बाद सियासी पंडित कह रहे हैं कि देश की सियासत के समीकरण बदल चुके हैं। मोदी का एक ही ब्रह्मास्त्र 2019 में बाजी अपने नाम कर लेंगे। एयर स्ट्राइक के बाद देश की जनता जोश में है। देश में ये संदेश गया है कि पाकिस्तान की ओर से होने वाली आतंकी हमलों का करारा जवाब देने में भारत सक्षम है। देश के लोग इस बात से खुश हैं कि हमारे जवानों का बदला लिया गया। आज ऐसे समय में आप सभी के बीच आया हूं जब उस हमले का मुंह तोड़ जवाब हमारी वायुसेना द्वारा आतंकियों के घर में घुस करके दिया जा चुका है। भारत ने अब आतंकियों और आतंक के सरपरस्तों को डंके की चोट पर कह दिया है कि अब उनके सामने सुधरने के अलावा कोई चारा नहीं है। और अगर वो फिर भी नहीं सुधरेंगे तो फिर क्या किया जाएगा, क्या होगा, ये भी उन्हें बता दिया गया है। भाई और बहनों, आप मुझे बताइए, भाइयों बहनों आप मुझे बताइए, आतंकियों को सजा देना जरूरी था या नहीं था? ऐसे नहीं, जवाब बड़े बड़े लोगों के कान तक पहुंचना चाहिए। आतंकियों को सजा देना जरूरी था या नहीं था? आतंक के आकाओं को दो टूक संदेश देना जरूरी था या नहीं था? हमारे वीर जवानों ने सही जगह वार किया कि नहीं किया? मैं आप धारवासियों से पूछ रहा हूं, मेरे जनजातीय समुदाय के भाइयों बहनों को पूछता हूं, जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले मेरे भाइयों से पूछना चाहता हूं, आप मुझे ईमानदारी से बताना, क्या आपको हमारी सेना की जो पराक्रम है, हमारी सेना का जो पराक्रम है, उस पराक्रम पर आपको गर्व है? गर्व है, गर्व है। साथियों, आपको लगता है कि हमारे वीर जवानों ने सही किया, पूरे देश को लगता है कि हमने सही किया? अरे सारी दुनिया ने कह दिया था कि हां, हिंदुस्तान के लिए यही मार्ग था, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है
कि हाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा नहीं लगता है। भाइयों और बहनों, जिस पार्टी ने सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया, जिस पार्टी के नेताओं ने हमारी पराक्रमी सेना के हाथ बांध करके रखे, उसके नेता अब हमारे वीर जवानों के सामर्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं। और इसमें भी मध्य प्रदेश के एक नेता जरा और आगे नजर आते हैं। साथियों, आज